फर्स्ट पार्ट में क्या सीखा, कोरल ड्रॉ को ओपन कैसे करते हैं, और प्लस कोरल ड्रॉ में ओपन करने के लिए कौन सा, अगर विजिटिंग कार्ड बनाना है तो उसका क्या साइज होता है, ये सब हमने देखा और प्लस टूल्स के बारे में समझा है। ठीक है, अभी हम वो टूल्स का इस्तेमाल करके हम नया नया प्रकार का डिज़ाइन बनाएंगे, जैसे कि लोगो हो गया, बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, ऐसे ही अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पर। तो अभी सिंपली हम क्या बनाने जा रहे हैं, अभी हम लोगो बनाने जा रहे हैं। आज के वीडियो में आपको लोगो बनाना सिखाऊंगा, वो भी उसका क्या टूल्स इस्तेमाल होता है, वो हर टूल्स के बारे में दिखाऊंगा, लोगो बनाऊंगा, और यहाँ पर एक भी टूल छूटेगा नहीं, आपको हर एक टूल्स का मतलब समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल देर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर HP लोगो से शुरू करते हैं। ठीक है, HP लोगो बनाने के लिए हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हमें शेप टूल से इसको कन्वर्ट टू कर्व करना है। ठीक है, अभी ये शेप टूल करेंगे, अभी यहाँ पर हमने क्या किया, इसको अगर ड्रैग करेंगे हमने तो यहाँ पर कर्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऐसे अपनी शेप में घूमेगा। ठीक है, तो हमें इसको देखिए, अभी ये हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसको फिर से उसी लाइन में लाने के लिए हमें कंट्रोल जेड करना है। ठीक है, कंट्रोल जेड फिर से सही हो गया, फिर हमको कन्वर्ट टू कर्व करना है, इसका शॉर्टकट की है क्यू, कंट्रोल क्यू। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व कर लिया, कर्व करने के बाद हमें यहाँ से पॉइंटर को यहाँ पर, जैसे ये यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये पॉइंटर कर्व होगा, फिर यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व में क्लिक कर देना है, फिर इसको हमें ड्रैग कर लेना है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ड्रैग कर लेना है, अभी ड्रैग करने के बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको पतला कर लेना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था। ठीक है, फिर इसको हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। अभी फिर से हमें ऐसा ही बनाने के लिए फिर से दूसरा रेक्टेंगल लो, फिर इसको कर कर, तो इससे बढ़िया आपको क्या करना है, सिंपली इसको डुप्लीकेट ले लेना है, कंट्रोल डी शॉर्टकट की है, कंट्रोल डी, इसका डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको फिर हम लाएंगे एक सेंटर में। ठीक है, सेंटर में लाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा फ्लिप, ये फ्लिप करेंगे तो वर्टिकली मिरर वर्टिकली फ्लिप होगा और ये हॉरिजेंटली होगा, तो हमें अभी हॉरिजेंटली करना है, वर्टिकली नहीं करना है। हॉरिजेंटली करने के बाद इसको हमें सीधा स्ट्रेट लाइन में पॉइंटर में यहाँ पर, ठीक है, देखिए अगर आपको, देखिए अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो कहीं भी जाएगा ना, तो अगर आपको एक लाइन में ही ड्रॉ करना है ना, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट को एक साथ में प्रेस रखना है, शिफ्ट को प्रेस रख के ड्रैग करेंगे ना, तो इसके लाइन में ही ड्रैग होगा, इसे नीचे ऊपर कहीं जाएगा नहीं, ये सिर्फ लाइन में ही ड्रैग होगा। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर जो ड्रैग करके छोड़ देना है। ठीक है, अभी हमें एक लिखना क्या है, HP, तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे HP, HP हमने यहाँ पर टाइप किया। ठीक है, टाइप करने के बाद इसका साइज हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, बढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर लाके थोड़ा छोटा करके इसको मैनेज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये इसको कर दिया, और इसका आउटलाइन देखो, अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको डार्क कर देना है, कि हमारा बैकग्राउंड भी वाइट ही है। ठीक है, तो अभी इसका हमें करना है आउटलाइन हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, आउटलाइन हमने कर दिया रिमूव, अब ये HP का लोगो जो है, जो लैपटॉप का लोगो रहता है, वो बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर आप इसको बैकग्राउंड में भी रख सकते हैं, रेक्टेंगल लेके यहाँ पर, फिर यहाँ पर ड्रॉ करके आप यहाँ पर कोई कलर दे दीजिए, कलर देने के बाद आपको क्या करना है, अभी हम यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में सेट करना है ना, तो यहाँ पर इसको पहले ऑल सेलेक्ट करना है, यहाँ से ड्रैग करके ऑल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, कंट्रोल जी शॉर्टकट की है, ग्रुप कर लेने के बाद आपका क्या है, कहीं भी कोई भी पॉइंटर से आप करेंगे तो ये सभी पॉइंट को लेके चलेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जब देखिए लेके जा रहे हैं ना, तो ये कहाँ जा रहा है, इसके पीछे जा रहा है, हमको क्या करना है, इसके ऊपर लेना है, अगर हम इस पर क्लिक करके, देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसको ऊपर लेना है ना, तो हमें क्या करना है, ऑर्डर पे जाना है, राइट क्लिक करके ऑर्डर पे जाने के बाद यहाँ पर टू फ्रंट ऑफ पेज, अगर हमको पीछे लेना है तो हमें क्या करना है, टू बैक ऑफ पेज,
ठीक है, अब हमारा ऑलरेडी पीछे ही है। अब मान लो हम पीछे का ऑप्शन यहाँ डिसेबल दिखा रहा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका शॉर्टकट की होम है कंट्रोल और इसका कंट्रोल इंड है। अभी हम यहाँ पर रन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी ये इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ये देखो इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पर शो करेगा बैक, क्योंकि ये पीछे जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी इसके पीछे एक रखा हुआ है डिजाइन, ठीक है, तो इसलिए ये पीछे का ऑप्शन शो करेगा। अभी ये पीछे जाने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर ले आना है। ये हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड अलग अलग प्रकार से आप कलर दे सकते हैं, नया नया जो आप देना चाहें, ठीक है। यहाँ पर बहुत डिजाइंस बहुत सारी हैं यहाँ पर बनाने के लिए आपको, तो आप यहाँ पर ये HP लोगो का सीख लिए होंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको SBI का लोगो डिजाइन करना। SBI का लोगो कैसे डिजाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक गोलाकार का हमें एलिप्स लेना है, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं ड्रैग करता हूँ तो किसी भी शेप में जा रहा है, एक आकार में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसको कंट्रोल के साथ में इसको ड्रैग करना है। कंट्रोल प्रेस करके आप कीबोर्ड से अगर ड्रैग करेंगे ना तो ये देखिए एकदम उसी आकार में ड्रैग होगा जिस आकार में, ये गोलाकार आकार में चारों तरफ से ये ड्रैग होता है, ठीक है, गोलाकार आकार में। अब हमें क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, कंट्रोल डी यहाँ पर फिर इसको सेंटर में ले आना है। फिर यहाँ से आप देखो इसको ऐसे करेंगे ना तो ये छोटा बड़ा ऐसे एक साइड से ही सिर्फ राउंड हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, अभी ये कंट्रोल जेड से अंडू कर लेना है, फिर से उसी शेप में आ जाना है जो हमने मिस्टेक किया। अगर उसी शेप में रिटर्न आना है तो फिर से कंट्रोल जेड करके आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके फिर ड्रैग करेंगे, तो देखिए चारों तरफ से राउंड हो रहा है, ठीक है, चारों तरफ से राउंड हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेने के बाद हमें यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसको चारों को जो भी तीनों बॉक्स है ना सबको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर ट्रिम कर देना है इसको। ट्रिम करने के बाद फिर इसको हटा देना है, इसको डिलीट कर देना है, फिर इसका जो बॉक्स है गोलाकार का इसको भी हटा देना है। फिर इसको क्या करेंगे, हम कलर कर लेंगे। यहाँ पर कलर करने के बाद यहाँ पर इसका आउटलाइन कलर जो है हमको हटाना है, तो यहाँ पर देखिए कलर फिल करने के लिए हमें लेफ्ट क्लिक करना है और आउटलाइन कलर हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्रॉस पे क्लिक करना है। देखिए क्रॉस पे आउटलाइन कलर हट गया, फिर से आउटलाइन कलर अगर लाना है तो हमें कलर पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, आउटलाइन कलर आ जाएगा। ओके, तो आप समझ चुके होंगे ये चीज़, ये हमारा SBI का लोगो है। अभी हमें क्या करना है, टाइप करना है, राइट करना है SBI, टाइप करना है SBI, ठीक है। इसका फिर साइज हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। ये आपका हो गया SBI का लोगो तैयार। सो दोस्तों कैसा लगा ये SBI का लोगो, जबरदस्त। तो ये हम कर दिए। अभी हम क्या ट्विटर का लोगो डिजाइन करना है, हमें क्या बनाना है, चिड़िया बनाना है। ट्विटर का लोगो डिजाइन करने के लिए चिड़िया बनाना है हमको, तो चिड़िया बनाने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर पेन टूल की सहायता से हमें चिड़िया बनाएंगे, वो भी एक बेहतरीन अंदाज में डिजाइन बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं चिड़िया, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने क्या किया, पॉइंट इसका ठोड़ बना रहे हैं हम। पहले देखिए ये हमारा हो गया ठोड़, हमें अभी देखिए ये पॉइंट हमें यहाँ पर देखिए कहीं क्लिक करेंगे ना यहाँ ले जाएंगे तो थोड़ा अलग तरीके से क्लिक हो रहा है ना, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके पॉइंट से ही हमें उठाना है ना, तो पॉइंट से उठाने के लिए हमें क्या करना है, इसके पॉइंट पर ले जाना है और अल्ट के साथ में क्लिक कर देना है। अल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे जब ना पॉइंट पे, तो ये देखिए यहाँ पर पॉइंट पर आ गया, ठीक है। अब पॉइंट पे आने के बाद हमें ये क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करना है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसका मतलब, ये काफ़ी बड़ा हो गया, रुकिए मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको। पहले हम ले लेते हैं एक सर्कल, ठीक है, इसका जो मुंडी है वो बनाने के लिए हमने ले लिया एक सर्कल। सर्कल लेने के बाद फिर हम पेन टूल की मदद से यहाँ से इसका बनाएंगे ठोड़। क्या बना दिए, ठोड़ बना दिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये जो बढ़ रहा है पॉइंट ना, तो हमें इसके पॉइंट पे ही इसको क्लिक करके करना है ना, क्योंकि ऐसे हम करेंगे ड्रैग तो फिर ये थोड़ा अलग प्रकार से बन जाएगा डिजाइन हमें, परफेक्ट। तो अल्ट के साथ में आप पॉइंट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे अल्ट के साथ में, तो ये देखिए पॉइंट पे आ गया, ठीक है। पॉइंट पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से
ड्रैग करना है, देखिए ऐसे आपको ड्रैग करना है, ये हमारा फर्स्ट ठोड़ हो गया इसका। फिर अल्ट के साथ में इसके पॉइंटर पे क्लिक करेंगे, फिर हमें क्या करना है, इसका सेकंड वाला जो पूरा ठोड़ बनाना ना इसका, कि एक ही बनाएंगे, अब एक से कैसे होता है भाई। ये देखिए ये अभी हमारा ये बन गया चिड़ी का ठोड़। अभी हम इसको कर देंगे यहाँ से ऐसे। हमने इसको ऐसा क्यों किया, अभी हम आपको समझाएंगे इसके बारे में। अभी हमने क्या कर दिया, ये देखिए यहाँ पर इसको कर दिया ट्रिम। 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक। ट्रिम नहीं करना है इसको, इसको हमें बस खाली कर देना है, वेल्ड कर देना है, ठीक है। ये बन गया हमारा ठोड़, ठीक है, वेल्ड करना है। अब वेल्ड करने के बाद में इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे छोटा, ठीक है, छोटा। अभी हम क्या करेंगे, पेन टूल की सहायता से यहाँ से पॉइंटर उठाएंगे, देखिए यहाँ से उठाएंगे, अरे भाई उठ जा उठ जा, देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक कर दिए ना इसे, और हमको क्या करना है, ये हटाना है, ये सेव बन गया मेरा, ये फिर से हमें हटाना है, तो इसको एस्केप एस्केप बटन दिखेगा आपको, एस्केप करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम पेन टूल की सहायता से ड्रैग करेंगे यहाँ से, ठीक है। ड्रैग कैसे करना है, देखिए ये हमने कर दिया ड्रैग, अभी ये हो गया ड्रैग। अल्ट के साथ में पॉइंट पे क्लिक करेंगे, पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा थोड़ा सा इधर, ठीक है, फिर ये हो गया, पॉइंट पे क्लिक किया, फिर पॉइंट पे क्लिक किया, थोड़ा नीचे लाया, फिर पॉइंट पे क्लिक किया, ऊपर गया थोड़ा, पॉइंट पे क्लिक, थोड़ा नीचे आया, पॉइंट पे क्लिक, पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अभी हमें करना है इसको वेल्ड कर देना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, वेल्ड करने से पहले हमें क्या करना है, कंट्रोल जेड पहले करते हैं, उसी से में आते हैं, इसको एक आकार में लेके आते हैं, क्योंकि ऐसे वेल्ड करेंगे तो हमारा वो वहाँ से देखें। ठीक है, अभी हमें क्या कर देना है, बेल्ट कर देना है इसको, स्लिप करके बेल्ट कर देना है, ठीक है, ये हमने कर दिया बेल्ट। अभी बेल्ट होने के बाद में हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, अभी मोटा कर देते हैं, चलो अभी हमें एक अंडा कवर कर लेना है। ये देखिए मैं इसको बना सकता हूँ, लेकिन आपको हर समझाने के लिए हमें हर टूल्स का क्या मतलब हो वो हमें बताना ही पड़ता है, नहीं तो आप बोलेंगे हमको समझ में नहीं आया कैसे आपने बता दिया। तो हर पॉइंट को हम समझा रहे हैं यहाँ पर, एक भी मिस्टेक नहीं होने देंगे आपका, और आपको एक एक पॉइंट का मतलब समझाएंगे कैसे कौन सा पॉइंट का यूज है, ठीक है। अभी हम इसका जो आई है इसको हम कर लेंगे ब्लैक, ठीक है, बट ये हम चिड़िया नहीं बना रहे हैं कि यहाँ पर आई लगाएंगे, ठीक है, ये चिड़िया भी बन जाएगी। इसको आप अपने अंदाज में बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हैं, ये हम ट्विटर का लोगो बना रहे थे, तो हमें इसका कर देना है कलर, ठीक है, कलर कर देना है।
और कलर करने के बाद हमें इसका आउटलाइन अगर हटाना है, देखिए कलर फिल करेंगे तो हमें इस पर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करना है माउस से, और कलर हटाने के लिए आपको यहाँ पर क्रॉस पे राइट क्लिक करना है। और कलर फिर से देखिए कलर हट गया, कलर फिर से लाने के लिए कलर पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, ये अपना ये उतना मस्त नहीं बना है क्योंकि हम इसको आपको समझाने के लिए ही बना रहे हैं, तो आप ऐसे मतलब डिजाइन यहाँ पर बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो पार्ट है इसमें मैंने लोगो आपके बारे आपको बताया लोगो के बारे में। अभी जो नेक्स्ट पार्ट हम थर्ड वाला लेके आने वाले हैं उसमें जो टूल्स हैं इसका, जैसे इसमें ग्रेडियंट हो गया, फिर कलर फिल करना हो गया, उसको ट्रांसपेरेंसी देना, ब्लेंड करना, ये सब टूल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी थर्ड पार्ट में। तो आप लोग सेकेंड पार्ट देखिए और फिर थर्ड पार्ट में आपको उसके बारे में बताएंगे। मैंने इसको पार्ट वाइज डिवाइड किया है ताकि आपको बोरिंग सा ना लगे और आप अच्छे से सीख जाएं। आप खाली सीखने के लिए टाइम दीजिए, मैं आपको सिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।